कि बिहार को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स का परिचय हम लोग देने का काम करें। स्पोर्ट्स जो है आपको कितना कुछ सिखाता है और सभी बिहार के खिलाड़ियों के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग तैयार करें और हम लोग तो चाहेंगे कि NIS भी आए, SAI आए ताकि लोगों को बाहर ना जाने की जरूरत पड़े। तो हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द उसका निर्माण करा करके यहाँ भी हम लोग जो है इंटरनेशनल मैच को जो है होस्ट कर सके। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारी महागठबंधन की सरकार, बिहार सरकार जो नीतीश जी के नेतृत्व में बनी है, माननीय मुख्यमंत्री जी गंभीर हैं, हमारी सरकार गंभीर है कि बिहार को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स का परिचय हम लोग देने का काम करें, उस लेवल तक हम लोग ले जाएं ताकि देश का नाम जो है रोशन हो, बिहार का जो है नाम रोशन हो। और माननीय मुख्यमंत्री जी को, खेल विभाग के अधिकारियों को, खेल मंत्री को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अभी कुछ दिन पहले कैबिनेट मीटिंग में स्पोर्ट्स पॉलिसी जो है वो पास करने का काम किया है। तो बिहार का अपना स्पोर्ट्स पॉलिसी जो है वो बना है, तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं। हम लोगों ने ध्यान दिया है स्पोर्ट्स पॉलिसी में कि जो खिलाड़ी अच्छा खेलेगा उसको हम लोग जो है नवाजने का काम करेंगे और सभी बिहार के खिलाड़ियों के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग तैयार करें ताकि इंटरनेशनल लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे स्टेडियम का निर्माण हो या प्रदर्शन। हमारी सचिव बता रही थी कि नालंदा में भी जो है इसका काफ़ी एक इंटरनेशनल स्टेडियम का निर्माण, खेल यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जा रहा है जहाँ आप सब लोगों को जो है ट्रेनिंग मिलेगा। तो हम ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आप सब लोगों से इतना कहते हैं कि आज का दौर जो है आप लोग जानते हैं, आज के दौर में खेल कूद जो है ज़्यादातर जो बच्चे हैं मोबाइल गैजेट्स में लगे रहते हैं, प्लेग्राउंड्स में कम जाते हैं, आउटडोर कम जाते हैं। लेकिन आज के दौर में जहां गैजेट्स और मोबाइल बेस्ट फ्रेंड बना हुआ है, वहीं जो फील्ड में खिलाड़ी हमारे जितने हैं जो खेलते हैं उन सब को आप सब लोग जानते हैं कि कितने फिट रहते हैं, हर तरीके से स्पोर्ट्स जो है आपको कितना कुछ सिखाता है, आपको संयम सिखाता है, पेशेंस सिखाता है और लीडरशिप क्वालिटी जो है वो सिखाने का काम करता है। तो बड़ी खुशी हो रही है और हमको तो पहली बार निट जाम के इस प्रतियोगिता में शामिल होने का मौका मिला है और इतना बड़ा विश्व का ये टूर्नामेंट है जहाँ 600 डिस्ट्रिक्ट और लगभग 6000 खिलाड़ी चुन करके आते हैं। और ये हाँ का जो तस्वीर जो है हम जरूर संभाल करके रखेंगे, क्या पता कोई बच्चा यहाँ से निकल करके कल नेशनल लेवल को प्रेजेंट कर रहा हो, इंटरनेशनल लेवल में ओलंपिक में जाके गोल्ड मेडल ला रहा हो, तो कम से कम आगे जा करके 15 साल बाद या 10 साल बाद उस तस्वीर को देखेंगे, पता चलेगा यहीं के 10-15 बच्चे जो है हमारे देश को जो है गोल्ड मेडल जिताने का काम कर रहे हैं। और हम तो खुद खिलाड़ी रह चुके हैं, IPL खेल चुके हैं, विराट कोहली और हम लोग सब लोग शुरुआत दौर से एक ही बैचमेट रहे हैं। NCAA हो या Under-19 वर्ल्ड कप इंडिया को रिप्रेजेंट करने की बात हो, रणजी ट्रॉफी खेलने की बात हो, तो हमको जो अनुभव है एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, जो भी अच्छा बुरा, लेकिन हम चाहेंगे कि बिहार को जो पिछड़ा राज है, गरीब राज है, कम से कम जो हमको अनुभव मिला है या आज हमारे कलीग जो हमारे जूनियर्स लगभग 16-15 में से कम 12 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको हम जानते हैं, जिनके साथ हम इंडियन टीम में खेल चुके हैं, तो उन सब का अनुभव जो है बिहार के स्पोर्ट्स को लेके और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग बनाने की बात करें। और हम लोग तो चाहेंगे कि NIS भी आए, सारी जितनी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं देश के अव्वल नंबर के वो यहाँ आए, उनके लिए भी ऐसी व्यवस्था कराई जाए, SAI आए ताकि लोगों को बाहर ना जाने की जरूरत पड़े। तो आप सब लोगों को, खास तौर पे बिहार के नौजवानों से इतना जरूर कहेंगे कि आप लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है,
माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी सरकार गंभीर होकर के इस मसले को देख रही है और जल्दी आने वाले समय में, चाहे मोनीउल हक के बारे में बात की गई कि मोनीउल हक जी का क्या योगदान रहा इस देश के ओलंपिक को लेकर के, और जल्दी ही हम लोग जो है वहाँ इंटरनेशनल मैचेस जो है खुद देख सकते हैं, क्योंकि बहुत समय हो गया जो है इंटरनेशनल मैच हम लोगों ने देखे। लास्ट हमको याद है, हम जब छोटे थे तो कीनिया वर्सेस जिम्बाब्वे वर्ल्ड कप हुआ था 95-96 में, तो उसके बाद से कोई ऐसा इंटरनेशनल मैच नहीं हुआ इस धरती पर। तो हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द उसका निर्माण करा करके यहाँ भी हम लोग जो है इंटरनेशनल मैच को जो है होस्ट कर सके और यहाँ के लोगों को एक सुविधा जो है देने का काम करें कि इस देश, इस धरती पर आप सब लोग जो है अपने चहेते खिलाड़ी को खेलते हुए देख सके। ये हमारी सरकार की, हम सब लोगों की कोशिश रहेगी। तो एट द एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट सभी लोगों को, जो विभाग के लोगों हैं जो इसका आयोजन किया है, आई थैंकफुल फॉर देम दैट दे हैव ऑर्गेनाइज दिस टूर्नामेंट। और आप सब लोगों को 3 दिन का ये कार्यक्रम रहेगा और उम्मीद करेंगे कि सब अपना जो है बेस्ट परफॉर्मेंस दें और अपने अपने राज्यों का, अपने अपने जिलों का नाम रोशन करके यहाँ से लौटें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।